वेलकम बैक टू मॉन्क एंड परमाणु। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारी यूनिट थर्ड से, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वही हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सभी वीडियोज़ के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप मेरी वेबसाइट mparmanuphysics.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर चार्ज है Q, उस चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स होता है F इलेक्ट्रिक, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर भी फोर्स होता है F इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक चार्ज की जो कि P पॉइंट पर रेस्ट पर रखा है और उसके पास एक मेटालिक वायर जिस वायर के अंदर से करंट है I, अब इस करंट की वजह से इस चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, यानी कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फिर इसके अंदर जब भी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो पोटेंशियल की वजह से वहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा वायर के अंदर, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस क्यू पर कोई भी फोर्स नहीं है। ऐसा क्यों हुआ होगा? वी कंक्लूड दैट देयर इज़ नो अप्रिशिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। जब फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये होगा उस पी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज इन एनी वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर के किसी भी वॉल्यूम के अंदर देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, और वो एटम्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। दिस वायर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एंड डू नॉट प्रोड्यूस एन इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। देखिए, उस एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से वायर के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एट पॉइंट पी, जिसकी वजह से पी पॉइंट पर कोई भी फोर्स नहीं है उस चार्ज पर, ना ही इलेक्ट्रिक ना ही मैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं, कोई वायर है मेटालिक वायर, उसके अंदर करंट है आई, और उसके पैरेलल हमने कोई चार्ज रखा है क्यू, उस चार्ज को हम मूव कराते हैं विद वेलोसिटी वी पैरेलल टू दैट वायर, उस वायर के पैरेलल। जैसे ही उस वायर के पैरेलल हम उस इलेक्ट्रॉन या फिर उस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं पैरेलली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस समय क्या होता है, वो जो चार्ज है वो उस वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जो चार्ज है वो वायर की तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हुआ होगा, उसके जो वजह है वो है एफ मैग्नेटिक, यानी कि कोई ना कोई फोर्स है जो उसको इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से काफ़ी अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर हो मोशन के अंदर, दोनों ही कंडीशंस पर जो F इलेक्ट्रिक होगा वो सेम होगा, वो किसी भी मोशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो हमारा फोर्स है ये सिर्फ मोशन के आने की वजह से इस चार्ज पर लगा है, इसलिए वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ना होकर कुछ अलग फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन के अंदर एक सेटअप होगा जिसकी वजह से उस एफ मैग्नेटिक की वैल्यू यहाँ पर आई है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं बी, बी से उसको हम सिंबलाइज करते हैं, और जो वो फोर्स है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के पास रखे सिचुएशन के अंदर, या फिर उसके यहाँ पर रखते हैं, उसके पास रखते हैं, और वो मूव करता है इसके पैरेलल या इसके आसपास किसी भी डायरेक्शन में, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा ड्यू टू दैट मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक करंट अगर नहीं है उस वायर के अंदर तब वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसी बात को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके दिखाया था, वो थे ओरेस्टेड। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट को हम जानते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से, तो चलिए देखते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्या है और क्या मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन रहा है उस टाइम। ओरेस्टेड ने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वायर लिया ए बी, उस वायर के अंदर उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक वोल्टेज अप्लाई की
और यहाँ पर एक की लगा दी। अगर वो की को क्लोज नहीं करता है तो उसके पास रखी एक मैग्नेटिक निडल, उसके पास रखी एक मैग्नेटिक निडल जो कि मूव कर सकती है इस प्लेन के अंदर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो वो मूव नहीं होती है। जब जब इस वायर के अंदर करंट नहीं होता है तो वो जो यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रखी गई है वो मूव नहीं होती है। लेकिन जब भी उसने क्लोज की है, इस की को क्लोज किया है, तब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हुआ है और उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्लेन के अंदर, या इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी, वो डिपेंड करता है इसके अंदर करंट किस तरफ है। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वो इस तरफ मूव करती है, और इस डायरेक्शन में है तो वो इस तरफ मूव करती है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि वेन एवर ए की इज क्लोज देर इज ए करंट इन द वायर, द मैग्नेटिक निडल हैज ए डिफ्लेक्शन, दिस डिफ्लेक्शन मे बी रिवर्स्ड बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक निडल की जो मोशन है, डिफ्लेक्शन है, वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि जब जब किसी भी वायर के अंदर करंट होगा उसके पास रखी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी, मूव होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब जब किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर जो रखी मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट कर जाती है। अब इसी रूल को एम्पियस स्विमिंग रूल के नाम से जाना जाता है, इसी सब को। तो उसको देखते हैं हम, क्या होता है एम्पियस स्विमिंग रूल। इफ वी इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टूअर्ड्स द निडल सो दैट द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट। अब कोई वायर ऐसे है, उसके अंदर करंट ऐसे है, कोई इंसान लेटा, उसके पैर इधर है, उसका सिर इधर है, तो जो करंट है वो इस तरफ से उसके हेड की तरफ निकलता है, पैर से हेड की तरफ निकलता है। तो उस समय अगर उसका मुंह निडल की तरफ ही है, फेस निडल की तरफ ही है, तो जो उसका जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है ना, वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ये रूल है, इससे पता चलता है कि हमें जो मैग्नेटिक निडल है वो किस तरफ मूव करेगी, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस एम्पियर स्विमिंग रूल को मेमोराइज करने के लिए एक रूल, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है स्नो, SNOW। लेकिन जब जब इलेक्ट्रिक करंट साउथ टू नॉर्थ होगा, इलेक्ट्रिक करंट साउथ टू नॉर्थ होगा, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो वेस्ट की तरफ मूव करेगी, जो मैग्नेटिक निडल है वो वेस्ट की तरफ मूव करेगी। तो ये था ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक मैग्नेटिक निडल एक वायर के पास रखी गई जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट था। जब जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर मूव हुआ, इलेक्ट्रिक करंट था, तो वो जो निडल है वो मूव कर रही थी, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं था तो वो मूव नहीं कर रही थी। इसलिए यहाँ पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मूविंग चार्ज जो है वो सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल इजी है, उसको हम याद कर सकते हैं स्नो से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी मूव करेगा साउथ टू नॉर्थ, तो जो निडल है वो वेस्ट की तरफ मूव करेगी मैग्नेटिक निडल की। तो यही था हमारा टॉपिक, अगले टॉपिक्स के लिए इसी चैनल पर बने रहें। टिल देन, गुड बाय।